काफी सारी औरतें आती है बोलती कि भाई मेरे हस्बैंड की इच्छा ही नहीं होती, सब टेस्ट करने के बाद में हवे तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल ठीक है, डॉपलर टेस्ट किया तो ठीक है, बाकी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो चाहिए डेवलपमेंट वो ठीक है, शादी के बाद में बच्चा भी हुआ है, सब करने के बाद में भी उसको इच्छा नहीं है, तो फिर करे क्या? तो जब हस्बैंड वाइफ दोनों आते हैं और वो भी कबूल करता है कि हाँ मैं मुझे इतनी इच्छा नहीं होती और इसकी डिमांड रहती है कि भाई कम से कम हफ्ते में एक दो बार तो करो, तो ऐसे समय करना क्या है? फिर मैं आपको आज ऐसी 8 बातें बताने वाला हूँ, 8 टिप्स कि जो औरतें करती है तो डेफिनेटली आदमी की इच्छा जागृत हो सकती है। नंबर 1, बेड पर कभी भी या बेडरूम में कभी भी जाना है तो अच्छा ड्रेसअप और मेकअप करके जाना है। इजीली होता क्या है कि अभी तो क्या सोने का है, तो नाइट गाउन पहना हुआ है, कपड़े मैले हुए हैं, तेल के दाग लगे हुए हैं, चलता है, ऐसा नहीं जाना है। हम जैसा कि शादी में जा रहे हैं, रिसेप्शन में जा रहे हैं, मतलब ऐसा ड्रेसअप मेकअप करके आप जाते हैं तो डेफिनेटली इच्छा जागृत हो जाएगी। नंबर 2, ओपन कम्युनिकेशन करना है। ओपन कम्युनिकेशन मतलब ऐसा है कि बोलना है ना कि आपको चाहिए करके। यूजली क्या होता है कि औरतें बोलती नहीं है, उनको लगता है कि मैं कैसा क्या बोलूँ, उसने शुरू करना चाहिए, मतलब अपेक्षा करते रहती है और वो कुछ करेगा नहीं और अपेक्षा करते रहेंगे तो फिर अपसेट हो जाएगी, फिर झगड़ा झंझट करेगी और फिर बोलेंगे देखो ये करता नहीं है, फिर झगड़े वाली औरत के साथ उसकी तो और इच्छा होती नहीं है, तो ये विशेष साइकिल बन जाता है। नंबर 3, खुद को स्टार्ट करना होगा सेक्स एक्टिविटी। साथ में सोए हैं तो किस कर रहे हैं, मसाज कर रहे हैं, झप्पी मार रहे हैं, जो भी करना है आपको तो खुद ने चालू करना है। नंबर 4, जब आपको जब थोड़ा सा भी उसके तरफ से हस्बैंड की तरफ से थोड़ी भी इच्छा हो गई तो आपने पार्टिसिपेट करना है, मतलब औरत ने पार्टिसिपेट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो कर रहे हैं उनको करने दो, शर्म आती है, नहीं, आपने भी पार्टिसिपेट करना है, औरत ने भी पार्टिसिपेट करना है और उसमें हिस्सा लेके बहुत ज़्यादा एक्साइट कैसा हो जाएगा अपना पार्टनर वो देखना है। नंबर 5, आप बेड पर जब जाते हैं तो रोमांटिक बातें कर सकते हैं। रोमांटिक बातें जब आप करते हैं तो डेफिनेटली सामने वाले को भी इच्छा होती है, उत्सुकता आएगी, इच्छा होगी, प्यार बढ़ेगा और डेफिनेटली उसके ऊपर फिर वो एक्शन करेगा, कृति करेगा। 6वां आइटम, सेक्स वीडियोज आप साथ में देखो। सेक्स वीडियोज मेरा मतलब ऐसा होता है कि कभी सारे वीडियोज ऐसे होते हैं कि जिसमें सेक्स की बातें करती रहती है, फिर ऐसे वीडियोज आते हैं कि जिसमें सेक्स के बारे में मतलब कुछ स्टोरी बनाई है और वो वीडियोज है, या जो भी कोई आपको एक्साइटमेंट करने वाले जो वीडियोज है वो सेक्स की वीडियोज आपने देखना है, साथ में देखना है, तो उसमें और इच्छा बढ़ सकती है। नंबर 7, जहाँ अच्छा लगता है वहाँ मसाज करें। उनको पूछना है हस्बैंड को कि उनको, और आपको मालूम हो गया होगा अभी तक कि उनको कहाँ टच किया तो अच्छा लगता है, कहाँ मसाज किया तो अच्छा लगता है, कहाँ एक्साइट किया, स्टिमुलेट किया तो अच्छा लगता है, तो वहाँ करने का तो अच्छा हस्बैंड की इच्छा आपकी बढ़ जाएगी। नंबर 8, आप मास्टरबेशन म्यूचुअली कर सकते हैं मगर एक दूसरे का, जैसा हस्बैंड औरत का कर रहा है, औरत हस्बैंड का कर रही है, पति पत्नी का, तो म्यूचुअल मास्टरबेशन करते तो भी उसमें बहुत सारी इच्छा जग जाती है और जिसकी इच्छा नहीं है वो भी थोड़ी सी इच्छा, उसकी इच्छा जागृत कर सकता है। ये जब मास्टरबेशन करते हैं तो आप लूब्स ला सकते हैं, लुब्रिकेटिंग जेल है कि जिससे थोड़ा एक्साइटमेंट भी आ जाता है और वो लगाते हैं तो डेफिनेटली इच्छा जागृत होगी। जब मसाज करते हैं लिंग का तो उससे भी इच्छा अच्छी जागृत हो जाती है। तो ये 8 पॉइंट्स ये आप करते हैं तो डेफिनेटली एक इच्छा न रखने वाला या इंटरेस्ट न रखने वाला हस्बैंड भी इच्छा रखेगा और आपका सेक्स लाइफ अच्छा हो सकता है। तो ये स्पेशली औरतों के लिए कि जिनका हस्बैंड इंटरेस्ट नहीं लेता है या इच्छा नहीं बताया। आपको वीडियो अच्छा लगा था आप अपने अस्मित मत रखिएगा, लोगों को शेयर करो, ताकि ऐसे बहुत सारे कपल्स हैं कि जो औरतें चिढ़ती है, तड़पती है और फिर फोर्सफुली वो विवाह वाय संबंध रखती है क्योंकि घर में समाधान नहीं होता है। तो ऐसा करने से लोगों को बचाए। थैंक यू वेरी मच।